नागपुर में जिला खरीफ प्री सीजन के बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध से रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित न हो और किसान इससे प्रभावित न हो, इसीलिए किसानों को अभिभावक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने आज प्री सीजन समीक्षा बैठक को संबोधित किया है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए तालुका स्तर पर बीमा कंपनियों के कार्यालय खोले गए हैं। नागपुर जिले में 4,74,325 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की खेती की जाती है। जिले के अधिकांश क्षेत्र में कपास की खेती होती है। पिछले साल 2,00,000 हेक्टेयर में पराती की बुवाई की गई थी। सोयाबीन की खेती 1,10,000 हेक्टेयर में की गई थी। इसके बाद खरीफ सीजन में धान और तूरी की बारी आती है, इसलिए आज की बैठक में सभी तालुका कृषि अधिकारियों को उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने क्षेत्र में फसलों की खेती की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में औसत से अधिक बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इस साल भी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए खरीफ के लिए ऋण आवंटन करते समय बैंकों को अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए और किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करना चाहिए। इस समय एक अपील भी की गई थी, इस वर्ष जिले के किसानों को कुल 1,50,000 ऋण बांटने का लक्ष्य है। अब तक 1,729,00,000 ऋण वितरित किए जा चुके हैं। अभिभावक मंत्री ने उद्देश्य पूरा करने की अपील की है। इस मौके पर विधायक आशीष जायसवाल, विधायक राजू पर्वे के साथ जिला कलेक्टर आर के विमला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला कृषि अधीक्षक मिलिंद शेंडे मंच पर उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोगड़े के साथ लीना कटरे की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।